एटीएम से जितना पैसा निकालना है निकाल लीजिए, क्योंकि दिसंबर से देश में होने वाला है ये बड़ा बदलाव। कैश नहीं, अब अपनी जेब में आपको रखना पड़ेगा डिजिटल रुपया, अपने हाथ से छू भी नहीं पाएंगे इसे। अगर आपको भी डिजिटल रुपए के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता तो इस रिपोर्ट में सब कुछ जान लीजिए। देश से काला धन खत्म करने के लिए सरकार ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद देश में 2000 और 500 के नए नोट आए थे, लेकिन अब 6 साल बाद सरकार ऐसे रुपए लेकर आई है जिसे न तो आप छू पाएंगे और न ही अपने जेब के पर्स में इन्हें रख पाएंगे, लेकिन काम असली नोट की तरह ही 100% करेगा। डिजिटल रुपया 1 दिसंबर से देश में आम जनता के लिए शुरू होने जा रहा है। इसके बाद आपका पैसा डिजिटल रुपए में बदल जाएगा। डिजिटल रुपया क्या होता है और आप कैसे शॉपिंग से लेकर मार्केट में सब्जी तक खरीदेंगे, ये अगर नहीं पता तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC कर रहा है। इस करेंसी को उपयोग में लेने के लिए आपके पास फोन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना जरूरी हो जाएगा। ये पैसा ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसा कि अभी तक पैसा काम करते आया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं होगा तो भी ये डिजिटल रुपया काम करेगा और आप आसानी से अपना लेन देन कर सकेंगे। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर डिजिटल रुपया का उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसी हालत में आप किसी भी बैंक में जाकर आसानी से नोट वाला कैश भी ले सकेंगे। डिजिटल रुपये का लेन देन डिवाइस का, इसलिए इसका पूरा आंकड़ा सरकार के पास भी होगा। अभी तक जो लोग ब्लैक मनी रखते थे उससे छुटकारा मिल सकेगा। किसके पास कितना पैसा, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। भारत के अंदर अगर कुछ ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें तो 80% लोग गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए लेन देन कर रहे हैं। RBI जो डिजिटल रुपए लेकर आई है, इसका भी काम कुछ ऐसा ही होगा। आपको अपने फोन पर एक डिजिटल वॉलेट बनाना होगा और इसी से हर किसी को आप आसानी से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ QR कोड से भी काम हो जाएगा। अभी तक किसी को पैसे लेने देने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन डिजिटल रुपए को बिना इंटरनेट के जरिए भी आप किसी को भी भेज सकेंगे। डिजिटल रुपए आने के बाद अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और काले धन पर लगाम लगेगी। आपको अपनी जेब में कैश रखना नहीं पड़ेगा, डिजिटल रुपए को बैंक से कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। डिजिटल रुपए से विदेशों में पैसा भेजने की लागत में भी कमी आएगी। बिना इंटरनेट के भी डिजिटल रुपए को आसानी से किसी को भी भेज सकेंगे। डिजिटल रुपए का जितना लेन देन होगा उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। 1 दिसंबर से सबसे पहले रुपया मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में शुरू होगा। इसके बाद धीरे धीरे देश के बाकी शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा। डिजिटल रुपया आने के बाद आम जनता के लिए तो आसान हो ही जाएगा, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो काले धन का उपयोग करते हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका काला धन पकड़ा जाएगा। डिजिटल रुपया लाकर सरकार सही कर रही है। आपकी क्या राय है कमेंट पर जरूर बताएं। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइव बिहार।